आखिर यमन का इतिहास क्या है? देखिए, मैं आपको बहुत लंबे तरीके से नहीं बताऊंगी, बस मैं आपको एक हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि देखिए, सालों से जो यमन में है जैदी शिया का राज चलता था। 1962 में तो सालों से जैदी शिया का यमन पे राज था, लेकिन 1962 में क्या हुआ, क्योंकि सुन्नी मेजोरिटी में थे तो 1962 में सुन्नी ने अरब से मिलकर ये जो यमन पर है उधर अपनी सरकार बना ली, तो बेसिकली जैदी शिया से उसको छीन लिया यमन को। 1962 में हुआ और सुन्नी को, सुन्नी आपको पता हो सऊदी अरब के लोग में वहाँ पर ज़्यादा मेजोरिटी है, तो सुन्नी को सऊदी अरब का सपोर्ट मिला, यूएन का सपोर्ट मिला और यूएई का सपोर्ट मिला, तो 1962 में उन्होंने अपनी यहाँ पर सरकार बना दी और जैदी शिया जो है वो वहाँ के तख्त से हट गए अस्तित्व में। फिर इसके बाद जो है एक सिविल वॉर चालू हुआ और इसके बाद अस्तित्व में आया हूती आंदोलन, और ये हूती आंदोलन किसका था? जैदी शिया वालों का। ये देखिए, यमन के राष्ट्रपति के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया। 2014 के बाद शुरू सबसे बड़ा गृह युद्ध, और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि यमन में गृह युद्ध चालू हो गया था, राजधानी सना के पास कब्जा, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि उधर जो अभी सरकार है उसको किस किस का सपोर्ट प्राप्त है? सऊदी अरब, यूएई, और ये एक तरीके से युद्ध है कि एक तरफ तो सऊदी अरब और यूएई है, मतलब सुन्नी वर्सेज हूती वर्सेज शिया, ये देखिए आप। और ये पूरा जो मैंने आपको बताया है ये यमन का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से इधर सुन्नी और शिया की लड़ाई हमेशा से चलती आई।